हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो पांच ट्रिक्स जो कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे अप्लाई करते हैं सो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं तब भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जाना है अपने एंड्रॉइड फ़ोन की बैटरी सेवर पे। और अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बैटरी सेवर, आपको मिल जाएगा। सो जैसे ही बैटरी सेवर का जो भी ऐप है वो मिल जाता है आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे, सो यहाँ पे आपको सिंपल उसको इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे कुछ ऑप्शंस है, कुछ फीचर्स है जो कि इनेबल हो जाते हैं, जो कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन की बैटरी को मैनेज करने और फिर उसको इंक्रीज़ करने के में मदद करते हैं। और जो भी बैकग्राउंड पे अनयूजेबल जो भी ऐप्स होते हैं उनको स्टॉप कर देते हैं, जिससे जो बैटरी है वो ज़्यादा देर तक चलता है। और इससे आपके जो कुछ छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ के नहीं होते, जैसे कि गूगल सिंक और फिर जो GPS वगैरह होता है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। इससे भी आपके एंड्रॉइड फ़ोन का जो बैटरी है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो धीरे धीरे कम होगा। और फ्रेंड्स, इस बैटरी सेवर के ऐप के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, सो उसको ज़रूर से चेक करना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। सो इस एप्लीकेशन या फिर जो ऐप है इसको जो है आपको इनेबल जरूर करना चाहिए अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन पर आपको कोई भी अदर जो एप्लीकेशन होते हैं गूगल प्ले स्टोर पे या फिर कोई वेबसाइट पे जो कि बैटरी सेवर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बैटरी सेवर वाले, वो आपको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। इसकी सबसे पहली वजह ये है कि जब भी आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे बैटरी सेवर ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है वो एप्लीकेशन रन होता रहता है बैकग्राउंड में, और वो जो भी अदर एप्लीकेशन होते हैं उनको स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर आपके जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन होते हैं और अदर एप्लीकेशन होते हैं उनका परफॉर्मेंस या फिर वो ठीक से काम नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। सो इसीलिए आपको जो कोई भी बैटरी सेवर ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इससे एंड्रॉइड फ़ोन का जो भी स्टोरेज है वो भी बढ़ता जाता है, फेल होता जाता है। सो ये आपको नहीं करना चाहिए। सभी एंड्रॉइड फ़ोन्स पे एक बैटरी सेवर एप्लीकेशन होता है छोटा सा जो कि अच्छे से काम करता है, सो आपको इसी का यूज़ करना चाहिए और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट काम करना है आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे वो ये कि आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे ब्लैक थीम या फिर कहीं डार्क मोड वो यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी पिक्सल होते हैं स्क्रीन के उन पे जो बैटरी कंजप्शन कम हो जाता है, वहाँ पे बैटरी कम लगता है। और जो भी ब्राइट एरिया होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कलरफुल वॉलपेपर्स वगैरह, आइकन्स वगैरह, यहाँ पे क्या होता है ये जो स्क्रीन है उसको ब्राइट रखना पड़ता है। इसके लिए जो LEDs होते हैं स्क्रीन के वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं बैटरी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट थीम है, इसको हम डार्क थीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन लगभग सभी एंड्रॉइड फ़ोन्स पे अब अवेलेबल है। तो आप इसको यूज़ करें, डार्क थीम को यूज़ करें, और ये जो प्ले स्टोर है इसमें भी डार्क थीम का ऑप्शन है, सो आप इसको इनेबल करें। और हो सके तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन पर डार्क थीम अप्लाई करने की कोशिश करें जब आपको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत है, सो उस टाइम आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर डार्क थीम अप्लाई कर सकते हैं। और जो वॉलपेपर्स है वो भी आप डार्क रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर डार्क वॉलपेपर्स जो होते हैं, ब्लैक वॉलपेपर्स, आप यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं बैटरी सेवर वॉलपेपर्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे अगर आप लगाते हैं तो इससे जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, यानी कि जो भी आप स्क्रीन की वजह से जो भी ज़्यादा बैटरी यूजेस होता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपको जो बैटरी है वो कितना यूजेस हुआ है, सो इसके लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे अपने एंड्रॉइड फ़ोन के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आ जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स पे, एंड सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, बैटरी परफॉर्मेंस, और इसमें आप देख सकते हैं बैटरी यूजेस स्टेट। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बैटरी है वो किस डिवाइस या फिर किस एप्लीकेशन पे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो भी बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो इसीलिए, जैसे कि इस फ़ोन में मैंने जो वाइट थीम अप्लाई करके रखा हुआ है, सो ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो आपको भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर जब भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो और अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप वहाँ पर डार्क थीम का यूज़ करेंगे, तो इससे जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो ज़्यादा नहीं होगा और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा।
इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे वही है कि आपको जाना है अपने एंड्रॉइड फ़ोन के एप्लीकेशन के सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन है जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं वो बैकग्राउंड पे रन हो रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे रनिंग पे हैं और ये आइकन इसीलिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन आपके यूज़ के नहीं है उनको आप अनइंस्टॉल कर दें और उनके परमिशन को भी मैनेज करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन जिसके परमिशन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये YouTube एप्लीकेशन है, सो इसमें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इसके परमिशंस को। तो इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे और भी जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हमने APK एक्सट्रैक्टर लाइट, ये एक एप्लीकेशन, इसी तरह से आप और भी एप्लीकेशन है उसके परमिशन मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जाना है अदर परमिशन, और जब भी यहाँ पे बैकग्राउंड परमिशन अलाउ है तो आपको यहाँ पे डिनाई करना है। तो बैकग्राउंड परमिशन जो है रनिंग अगर अब वो अलाउ है तो क्या होगा, यहाँ पे वो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड पे रन होता रहेगा और जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी CPU है और RAM है वो अगर यूज़ होता है तो जब भी वो दोनों यूज़ होते हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो भी कंज्यूम होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादातर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उनके जो परमिशन है बैकग्राउंड वाले परमिशन वो आपको कंट्रोल करने हैं और मैनेज करने हैं। इसको अगर डिटेल में समझना है तो इसके लिए एक और वीडियो है, सो वो ज़रूर से चेक करना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, जब आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के एप्लीकेशन के परमिशन को मैनेज कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि बैकग्राउंड पे रन हो रहे थे वो बैकग्राउंड पे रन नहीं होंगे, और जब कोई भी एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे रन नहीं हो रहा है तो इस टाइम क्या है, आपके जो फ़ोन का बैटरी है वो भी बहुत ही कम कंज्यूम होगा और इससे जो भी बैटरी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे, जब आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन का जो बैटरी है वो सेव करना चाहते हैं या फिर आपके एंड्रॉइड फ़ोन का जो बैटरी है वो 20% से कम है तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं और अदर जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ नहीं कर रहे जो कि नेटवर्किंग के लिए है जैसे कि मोबाइल डेटा, वाईफाई हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ, सो इन चीज़ों को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको आप सिंपली ऑफ़ कर दें। तो अगर आप इन चीज़ों को ऑन करते हैं जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, और कुछ भी अगर ऑन रहता है ज़्यादा टाइम तक तो ये बैकग्राउंड में बैटरी को कंज्यूम करता है, डेटा ट्रांसमिशन होता रहता है, सो इससे भी जो है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। और यहाँ पे दो और ऑप्शन है, GPS और सिंक। तो सिंक और GPS बाय डिफॉल्ट सभी एंड्रॉइड फ़ोन पे इनेबल होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसमें इनेबल नहीं है। सो अगर आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे GPS और जो सिंक वाला ऑप्शन है वो इनेबल है तो इनको आपको डिसेबल करना चाहिए। डिसेबल करने से क्या होता है, जो भी बैटरी इससे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था वह कम हो जाता है और जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होता है। और जब भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है तभी आप इन चीज़ों को ऑन करें जैसे कि मोबाइल डेटा, वाईफाई और हॉटस्पॉट। सो फ्रेंड्स, ये है प्रो टिप एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे जब भी कॉल वगैरह नहीं आ रहे होते उस टाइम आपको क्या करना है, अगर आपके एंड्रॉइड फ़ोन का बैटरी लेवल है वो 5% से कम है सो फ़ोन के स्विच ऑफ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इस केस में आप अपने सारे जो भी नेटवर्क्स है उनको कट कर दीजिए और ज़रूरत है तभी इन चीज़ों को ऑन रखें। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फीचर्स है, ये आपके एंड्रॉइड फ़ोन के बैटरी को यूज़ करते हैं तभी ये ठीक से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आज की वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।